नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेवी डिवोशनल में। अभी तक के एपिसोड में हमने देखा कि जिन ईश्वर ने पूरे सृष्टि का निर्माण किया है, जिनके कारण शकुनी मामा भी चल पा रहे हैं, वो उन्हीं के साथ शकुनी मामा गेम खेलने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं इनसे बड़ा खिलाड़ी हूं, किसी तरह मैं इनको पराजित करके इनसे अग्नि स्नान करवा लेता हूं। अद्भुत दिखाया यार। कोई बात नहीं, प्रयत्न करना हर प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, मामा भी करते रहते हैं। लेकिन भगवान ने बहुत अच्छे और बहुत ही साफ सुथरे लफ्जों में कहा है कि आप फल को देखते हुए कर्म करते हैं। मैं फल के बारे में सोचता ही नहीं, मैं बस कर्म करता हूं। और मामा ने बहुत ही अच्छे और अद्भुत शब्दों के साथ भगवान को सराहा है, धूर्त, छलिया, कपटी, अब कौन सी माया खेली है तुमने। और मामा किस तरीके से भागे थे देखने बड़ा आनंद आ रहा था, भांजे भांजे करते भांजे दुर्योधन। और उधर हमने देखा कि गांधारी के जितने भी तपस्या का फल था वो उन्होंने दे दिया वज्र के रूप में दुर्योधन को। और दुर्योधन कहीं ना कहीं उस ऊर्जा को लेके मूर्छित हो गए हैं, क्योंकि ऊर्जा वज्र में परिवर्तित होने के लिए शरीर को ऊर्जा संचय करने में कुछ समय तो चलेंगे। लेकिन मामा ने कहीं ना कहीं गांधारी को बता दिया है कि छल तो हो गया है, क्योंकि उन्होंने केले का पत्ता लपेट लिया था और कहीं ना कहीं कमर के मामा के पासे भी खत्म हो चुके हैं, चूर चूर हो चुके हैं। तो चलिए इसके आगे क्या एपिसोड देखते हैं, चलते हैं एपिसोड नंबर 258 पार्ट 1। क्यों दुर्योधन ने केले का पत्ता लपेट लिया? ये अवश्य उस दूर ग्वाले का कपट है। दूर कोई संदेह उत्पन्न कर दिया होगा मेरे बच्चे के मन पे। वो अवश्य कल कोई छल करेगा। गदा युद्ध में भीम मेरे बच्चे दुर्योधन की जंगा पर प्रहार करेगा और इसका वध कर देगा। असंभव बंदा राज, गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार करना नियम के विरुद्ध है। युद्ध के नियमों का भंग 10वें दिन से आरंभ हो गया था। ब्राह्मण देव महामहिम भीष्म की मृत्यु के पश्चात। नहीं, मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। किसी भी स्थिति में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हो सकती। मैंने अपने जीवन भर की तपस्या के फल का त्याग कर दिया। स्वयं के लिए नर्कवास निश्चित कर लिया मैंने अपने पुत्र हेतु। यदि अब भी इसके प्राणों का रक्षण नहीं हो सकता तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए सज्ज हूं भ्राताश्री, किंतु मेरे पुत्र का वध नहीं हो सकता। मेरे पुत्र का वध नहीं हो सकता भ्राताश्री। वासुदेव कृष्ण बिना दाव खेले जीतने कला जानते हो तो शकुने दाव पर दाव खेलने की बुद्धि रखता है। अरे और पार्टनर सही, तुम्हें तो मैं जीतने नहीं दे सकता, कदापि नहीं। वासुदेव बाहर ही खड़े हैं। आओ मिल लो। आपकी अगली चाल की प्रतीक्षा रहेगी गांधार राज। धर्म धर्म के इस खेल में मैंने आप जैसा सक्षम खिलाड़ी आज तक नहीं देखा। श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण होता है कि वो अंत तक प्रयास करना बंद नहीं करता, और आप अवश्य श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आपकी बुद्धि यदि धर्म पर स्थिर होती तो आप श्रेष्ठ नायक होते। सचमुच यार, किंतु आपकी बुद्धि पर तो सदा अधर्म ही छाया रहा, इसी कारण वर्ष आप श्रेष्ठ बन ही नहीं पाए। खलनायक है। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। थंबनेल यही रहेगा भाई। गणेश जी की आकृति देखो कैसे बाहर आई।
ब्राह्मण देव, तुम्हारे पास दिव्य रथ है, निकट के तीर्थ स्थान तक जाकर कुछ क्षण में लौट सकते हो। अवश्य लौट सकता हूँ गांधार राज, किंतु इस समय तीर्थ स्थान पर जाने का क्या लाभ? अश्वत्थामा ने अपनी पूरी मित्रता निभाई। निकट के तीर्थ स्थान पर वासुदेव कृष्ण का बंधन प्राप्त होगा गुरु बच्चे, जो वासुदेव कृष्ण से नियमों का पालन करवाएगा। मैंने संपूर्ण जीवन वासुदेव कृष्ण को परास्त करने का प्रयास किया है। इतनी आसानी से मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। यदि मेरी मृत्यु हो गई तो पितरों की भूमि आनंद से कृष्ण की पराजय देखूंगा। मेरा बच्चा दुर्योधन पांचों पांडवों का वध कर दे, ये अनिवार्य है, और उसके लिए इस ग्वाले का बंधन बनाना आवश्यक है। शीघ्रता करो गुरु बच्चे, उस ग्वाले के बंधन को रणभूमि में आने के लिए बाध्य करो। अश्वत्थामा ने अपना समर्पण दे दिया दुर्योधन। तुम क्या गलत है क्या सही है सब बात खत्म। क्या ही डिटेलिंग में काम किया गया डायरेक्टर ने। कहाँ अंधकार में पहुंच गए भाई ये। भगवान बलराम की एंट्री हो गई। गांधार राज शकुनी ने आपके लिए संदेश भेजा है। श्रीमान बलराम, हमें पहले ही समझ जाना चाहिए नियमों में जो बात भी कर सकते हैं वो यही एक ही महापुरुष हैं धृतराष्ट्र। अंगूठी, अंगूठी क्या वो तलवार के बाद अब ये युद्ध भूमि में जा रहे हैं क्या? महाराज अभी आपकी मनस्थिति रण क्षेत्र में जाने की नहीं। बल से किया जाता है विदर्भ, मनस्थिति से नहीं। वैसे आज भी मेरी भुजाओं में दो हाथियों का बल है। मेरा पुत्र अकेला नहीं है, उसके प्राणों की रक्षा हेतु उसका पिता भी जीवित है विदुर। मैं किस प्रकार हस्तिनापुर में रहूं और विदुर किस प्रकार वो वासुदेव कृष्ण छल कर करके मेरे पुत्र के वज्र जैसे अंगों में निर्मलता दे दी है। उस दुष्ट भीम को वो इस निर्भरता का ज्ञान देंगे, उसके पूर्व ही भीम को मैं अपनी भुजाओं में कुचल कर मार दूंगा। मार दूंगा तभी मेरे 99 पुत्रों के वध के प्रतिशोध का संतोष प्राप्त होगा मुझे विदुर। तभी मैं युद्ध नहीं कर रहा, मैं केवल युद्ध भूमि में जाकर भीम का वध करूंगा विदुर। मुझे रोकने का प्रयास मत करो, मेरे रथ को सच करो,
मेरे रथ को सच जगा। महाराज, महाराज, युवराज दुर्योधन के रक्षण हेतु गांधार राज की योजना सफल हुई है। श्रीमान बलराम वासुदेव कृष्ण को रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज, नामा की बुद्धि। प्रणिपात दाऊ, आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण कर यहां पधारेंगे। नहीं कान्हा, तुम्हें भय था कि मैं आकर तुम्हारा पक्षपात रोकूंगा। पक्षपात तो मैं सदा ही करता हूं बड़े भैया। जो मेरी शरण में आता है उसका रक्षण करने का वचन तो मैंने समय के आरंभ से दिया है। सभी को समान दृष्टि से देखने का वचन भी है विष्णु का। सभी को समान दृष्टि से ही देखता हूं दाऊ। धर्मी को उसका उचित फल और अधर्मी को दंड देता, भेदभाव नहीं करता। किंतु मानवीय अवतार धारण करने पर हमें मानवीय मर्यादाओं को भी धारण करना होगा। अपने प्रत्येक अवतार में यह ज्ञान तुम्हीं ने मुझे दिया है। इसी कारण अपने ब्रह्म स्वरूप में मैं विष्णु का सेवक शेषनाग हूं। तो वहीं दूसरी ओर अपने मानवीय स्वरूप में तुम मुझे दाऊ कहकर सम्मानित करते तो कान। जो पक्षपात मनुष्यों के लिए अनुचित है वो क्यों कर रहे? नदी अपना रास्ता पत्थरों के बीच में से निकालती है दाऊ, किंतु कभी कभी पत्थरों को तोड़ना भी पड़ता है दाऊ। ये समय ऐसा है, यदि पांडवों की पराजय हो गई तो मेरा अवतार कार्य अपूर्ण रह जाएगा। मैं तुम्हारे इस तर्क से सहमत नहीं हूं अनुज। युद्ध भूमि में तुमने अंगराज कर्ण के साथ छल किया, पितामह भीष्म के साथ छल किया, गुरु द्रोण के साथ छल किया, परंतु मैंने तुम्हें रोकने का प्रयत्न भर भी नहीं किया। जानते हो क्यों? क्योंकि ये सब योद्धा थे, रणभूमि में खड़े थे, परंतु एक तपस्वी स्त्री से छल करके तुम्हें क्या प्राप्त होगा कान्हा? जिस प्रकार धृतराष्ट्र ने यह कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अभी तक छल का प्रयोग करके सदा ही उनके साथ अधर्म किया है, क्योंकि उन्होंने उनके पुत्र के वज्र जैसे शरीर में भी एक भाग निर्बल रख दिया है। अगर कोई व्यक्ति, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में खड़ा है और वो किसी निर्दोष व्यक्ति को पत्थर मारता है, तो उस निर्दोष व्यक्ति को अगर उस कीचड़ में खड़े व्यक्ति को दंड देना है तो उसको भी स्वयं कीचड़ में उतरना पड़ता है। इस महाभारत की जो स्थापना है पूरी की पूरी छल पे ही। जब भी आप देखेंगे मामा ने छली किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसी छल का जो उत्तर है छल से दिया। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जो थे वो 12 कलाओं के साथ, 12 संपूर्ण कलाओं के साथ इस धरती पर अवतरित हुए थे। लेकिन हमारे भगवान श्री वासुदेव कृष्ण वो संपूर्ण 16 कलाओं के साथ इस धरती पर अवतरित हुए हैं, जिसमें ये भी उनकी कलाएं ही हैं कि कैसे वो युद्ध में भाग ना लेते हुए भी संपूर्ण युद्ध को अपने ही इशारों पे चला रहे हैं, संचालन स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न रहता है कि ये ज्ञान क्या अंगराज कर्ण को नहीं दिया जा सकता था जो भगवान ने अर्जुन को दिया? तो दरअसल ज्ञान लेने के लिए सज्ज रहना पड़ता है, ज्ञान देने के लिए सज्जता की आवश्यकता नहीं। पात्र स्वयं खाली होगा तभी उसमें जल आ पाएगा। जब पात्र स्वयं से ही भरा रहेगा तो उसमें जल की आने की कोई संभावनाएं नहीं रहेगी।
नहीं, इस सीरियल में हमने एक जैन देखा था, हाँ, जब उन्होंने अंगराज कर्ण को ज्ञान दिया था कि आप जो है आपके पास यही एक क्षण है, आप इस ओर आ जाइए। बात मैं वही कहना चाहता हूं, और भाग्य अपना बदल लीजिए। देखिए दरअसल मामा शकुनी ने कभी अंगराज कर्ण पे भरोसा नहीं किया, दुर्योधन ने पूर्ण भरोसा किया, लेकिन मामा शकुनी ने कभी अंगराज कर्ण पे भरोसा इसलिए नहीं किया क्योंकि अंगराज कर्ण के हृदय में कहीं ना कहीं धर्म था, बसता था। तो मामा शकुनी का यह मानना था कि देखिए जो आदमी अधर्मी है या तो वो पूर्ण धर्मी हो, और धर्मी है तो पूर्ण धर्मी हो, वो बीच में मध्यस्थता न करे कि धर्म और अधर्म के बीच में रहूं, कि हाँ धर्म भी करता रहूं अधर्म के साथ भी रहूं, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए उनका सामर्थ्य जो है वो मामा श्री को शून्य नजर आता था। कहने का कारण यह है, दरअसल कर्ण की बात आई कहां से, कर्ण की बात आई कि दाऊ ने खुद कहा कि आपने पितामह भीष्म को, गुरु द्रोणाचार्य को और कर्ण, अंगराज कर्ण को छल किया आपने उनके साथ। तो दरअसल जिनके साथ छल करना चाहिए था, जो बल के साथ नहीं पराजित किए जा सकते थे, या यूं कह लें कि बल के साथ यदि पराजित होते तो आम जनमानस की जो हानि होनी थी वो और भी ज्यादा होती। तो उसको वहां रोकने के लिए भगवान ने यथासंभव जो बन पाया वो उन्होंने किया। भगवान ने स्वयं कहा था कि अंगराज कर्ण जो है दुर्योधन का वध तो नहीं रोक पाएंगे, इनको विजय तो नहीं दिला पाएंगे, लेकिन युद्ध पराजय को कुछ क्षण और रोक सकते हैं, कुछ दिन और रोक सकते हैं, और युद्ध और दिन चलता तो और विध्वंस होता और सैनिकों की मृत्यु होती, और कहीं ना कहीं माने तो तीनों के पास जो सामर्थ्य था और पितामह इच्छा मृत्यु का विधान था, तो कहीं ना कहीं अमृत प्राप्त था। अच्छा, भगवान ने शकुनी मामा को सर्वश्रेष्ठ खलनायक की उपाधि दी है भाई, ये तो मानना पड़ेगा कि सबसे बड़े खलनायक। आप अपना प्रयास नहीं छोड़ते, और एक मनुष्य का धर्म, सर्वोत्तम मनुष्य का धर्म यही है कि वो अपना प्रयास अंतिम क्षण तक करता रहे, करता रहे। आप धर्म की तरफ नहीं है इसलिए आप नायक नहीं हो सकते, आप अधर्म की तरफ है इसलिए आप खलनायक है। मामा से तो इंप्रेस हम लोग भी हैं, अगर मामा की बुद्धि जिस प्रकार से कार्य करती है कि उनको प्रतिद्वंदी के रूप में मिले तो स्वयं ईश्वर मिले, कोई मनुष्य नहीं मिला, ईश्वर ही मिला, और इसीलिए भगवान को मुझे लग रहा है अवतरित भी होना पड़ा, क्योंकि सोच सामर्थ्य दोनों तरफ था। एक बार सोच के देखिए, मामा शकुनी है और भगवान नहीं है, और महाभारत का युद्ध चल रहा है, कैसे विजय होती धर्म की, ना मुमकिन था। क्योंकि जिस प्रकार वो अपनी बातों से, अपनी योजना से सारे महारथियों को उन्होंने केवल वचनबद्धता में बांध रखा था, किसी भी धर्मी व्यक्ति से अधर्म कार्य वो करवा सकते थे, इतनी उनके अंदर जो बुद्धि थी ना, वो हमने देखने को ही प्राप्त हुई इस सीरियल में। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को हमें समाप्त करना होगा, शीघ्र ही लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।